है हिंट 24 टीवी। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के जल भराव व जल निकासी मार्ग हुआ अवरुद्ध। गंदा पानी घरों, दुकानों व ऑफिस में भी कर गया प्रवेश। कस्बे के जल निकासी मार्ग भराव क्षेत्र जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सब चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। जल निकासी मार्ग जल भराव क्षेत्रों को लेकर के कस्बे में हाईकोर्ट व संभागीय आयुक्त के आदेश धूल चाट रहे हैं। अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा ले रहे हैं। एक और मौसमी बीमारियों का कहर दूसरा गंदगी को फैलाते हुए कस्बे में महामारी फैलाने का अंदेशा लेकर आया है। नगर पालिका सहित स्थानीय प्रशासन भी ले रहा है कुंभकर्ण की नींद। लक्ष्मणगढ़ अरवर से गिरिराज प्रसाद सोलंकी की खास रिपोर्ट आई है कि लक्ष्मणगढ़ सरकार बनाम अब्दुल रहमान जनहित याचिका पर सन 2004 से राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णय के पश्चात भी अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में किसी भी अधिकारी द्वारा पालन नहीं करने के फलस्वरूप प्रकृति तालाबों में पानी की आवक के क्षेत्रों में तथा निकासी क्षेत्रों में भू माफियाओं द्वारा कॉलोनियां विकसित कर प्रकृति से छेड़छाड़ करते न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बुधवार को बारिश ने कस्बे में तबाही मचा दी। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। पानी कॉलोनियों में, घरों में, दुकानों में प्रवेश करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय को भी लबालब कर दिया। ऐसे में जब उपखंड अधिकारी के कार्यालय में ही पानी प्रवेश गंदी नालियों का कर जाए तो इन सब अवस्थाओं से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कस्बा कितना सुव्यवस्थित बसा हुआ है। कस्बे के अंदर दर्जनों जल भराव क्षेत्र थे, जैसे तलाई, जोहर, नहर इत्यादि को कस्बे में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों किसके उनके ऊपर कब्जा कर लिया हो। जब जल निकासी मार्ग और जल भराव क्षेत्रों पर कब्जा हो जाएगा तो पानी तो अधिकारियों के ऑफिस में, घरों में जाएगा ही। एक और लक्ष्मणगढ़ की भौगोलिक स्थिति वैसे ही सही नहीं है। कस्बा 3 दिनों तक बांध क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहाँ की बसावट त्रिभुजानुमा है। कस्बे में हल्की सी बारिश हो तो तबाही मच जाती है। अगर प्रकृति रूठती है, अच्छी बारिश होती है तो स्थिति क्या बनेगी, यह सोचने का विषय है। पर कस्बे के अंदर सभी जल निकासी मार्ग, जल भराव क्षेत्र अवरुद्ध पड़े हैं। नगर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कस्बे के ऊपर, जहाँ कस्बे में जगह जगह पानी भरी हुई है और दुर्गंध भी आ रही है। मच्छर पनप रहे हैं, घरों में मलेरिया के शिकार मरीज पड़े हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ को नगर पालिका मिलने के पश्चात भी नगर पालिका का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ केवल जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, इन्हीं को केवल माल कमाने की बात ध्यान में रहता है, विकास की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों से चाहे नहर की रजिस्ट्री करवाओ, चाहे बांध की रजिस्ट्री करवाओ, चाहे जल भराव क्षेत्र, चाहे जल निकासी क्षेत्र की रजिस्ट्री कराओ, इन्होंने नियम कायदे ताक पर रखते हुए कस्बे की भौगोलिक स्थिति को बिगाड़ के रख दिया है। लक्ष्मणगढ़ कस्बा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते हुए जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं जनता ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो कस्बे वासियों को खुद ही भुगतना पड़ेगा कोई बड़ा अंजाम। आज कस्बे के राजपूत कॉलोनी की ओर जाने वाला रास्ता, वहां पर स्थित उपखंड अधिकारी का कार्यालय के अंदर समस्त कस्बों में गंदा पानी वर्षा का प्रवेश कर गया है। जबकि उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने ही एक बड़ी तलाई जोड़ है, उसमें पानी जाना चाहिए था, पर उपखंड अधिकारी जी के सामने ही तलाई पर अवैध कब्जा होने के कारण तलाई लुप्त हो रही है। राजपूत कॉलोनी में स्थित स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्था समूह में पढ़ने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानियां देखने को मिली। भारी बारिश में साइकिल, मोटरसाइकिलों को लेकर गिरे बच्चे, जिसमें उनकी किताबों और बैग में, ड्रेस में हर जगह गंदगी भर गई। एक ओर राज्य सरकार स्वच्छता का नारा देती है, संदेश देती है, पर लक्ष्मणगढ़ गंदगी, कीचड़ और दलदल युक्त है। कहावत यह भी है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, पर यहाँ गंदगी में कौन बसते हैं वह आप खुद ही समझदार हैं। यहाँ मात्र एक किले की खाई है जिसके अंदर संपूर्ण कस्बे का पानी आता है, पर जनप्रतिनिधि पर पट्टे काट काट कर खाई को भी बेच डाला। अधिकारियों ने रजिस्ट्री कर दी, हाई कोर्ट से 74 पट्टे निरस्त भी हुए। संभागीय आयुक्त के द्वारा अतिक्रमण कार्यों की लिस्ट भी बनाई गई, किस व्यक्ति ने कितने नाव पर कब्जा किया है, पर लक्ष्मणगढ़ में हाई कोर्ट से आदेश, संभावित आयुक्त को आदेश धूल चाट रहे हैं। यहां अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं। कस्बे की जालूकी रोड, जहां से उपखंड अधिकारी जी प्रतिदिन निकलते हैं, उसी रोड पर नहरों के ऊपर दुकान बना दी गई।
बस स्टैंड लक्ष्मणगढ़ पर दर्जनों दुकानें नालों के ऊपर बनी हुई हैं। अधिकारियों को सब कुछ मालूम है, खुद की भी उनकी समस्या का शिकार वो खुद ही बने हुए हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं। यहाँ अधिकारी आंखें बंद करके अपना समय काट कर पैसा बटोर कर चले जाते हैं। मरना जीना तो जनता को है। कस्बे में रोड़ीजा रोड सब्जी मंडी, राजपूत कॉलोनी, मोदी पेट्रोल पंप, मालाखेड़ा रोड पर गंदे पानी का जमावड़ा रहता है और मच्छर मलेरिया का प्रकोप चल रहा है। ऐसे ही प्रकरण कस्बे के अंदर बांध के अंदर व्यावसायिक दुकानों को बना कर कर और जल निकासी मार्ग एवं जल भराव क्षेत्रों पर नियम कायदा को ताक पर रखते हुए निर्माण हुआ है, पर अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग सकी। आज तक उन निर्माण को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि सरेआम भू माफियाओं के पास न जमीनी संबंध की कोई कागजात है और न कुछ, फिर भी सिंचाई विभाग ने नोटिस दे दिए हैं। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिए हैं कि इधर किसान की भूमि को कब्जाते हुए उस पर निर्माण किया है। यह सब मिलीभगत का खेल नहीं तो क्या है? प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को नीम खुदाई के लिए समय पर सूचना देना ही चाहिए, फिर किस किस की है यह बात पता चल जाएगी। पर यह निर्माण हुआ जो कि जल निकासी मार्ग और जल भराव क्षेत्रों पर इनके द्वारा कब्जा किया। हाई कोर्ट के आदेश, संभावी आदेश की कॉपी जिला कलेक्टर को भी समय समय पर दी जाती है, पर कार्रवाई के नाम पर यहां पर कुछ नहीं होता है, ये आप खुद ही देख पा रहे हैं। इसी वजह से लक्ष्मणगढ़ कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाया, कहीं सपने नगर पालिका में ही दफन हो गए और जनता यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आए दिन यहाँ पे जिस तरीके से जल भराव होता है उसमें सभी को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए लक्ष्मणगढ़ अलवर से गिरिराज प्रसाद सोलंकी की खास रिपोर्ट।